सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रिमेय संख्या। सबसे पहले हम प्रिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे। प्रिमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? इसकी परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q और Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, Q बराबर जीरो ना हो, और P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q, Q जीरो नहीं होना चाहिए, P व Q दोनों पूर्णांक हों। P व Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको P बट्टे Q, Q बराबर जीरो यानी कि S बट्टे हर, जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। इस रूप में यदि हम संख्याओं को लिख सकेंगे तो वो प्रिमेय संख्या होगी। के रूप में लिखा जा सके उन्हें प्रिमेय संख्या कहते हैं। P बटे Q, Q जीरो नहीं होना चाहिए और P व Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और भिन्न में हमने पढ़ा था कि P, S और हर दोनों कैसे होने चाहिए थे? पराकृत संख्या। अब देखो जैसे 1/2, 3/4, माइनस का 2/3, इसमें माइनस की संख्याएं भी ये होंगी, माइनस का 8/7, 0 एक प्रिमेय संख्या है, ध्यान रखना, 1, 2 ये सभी क्या है? प्रिमेय संख्याएं हैं। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, P बट्टा Q रूप हो रहा है, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्रिमेय संख्याएं हैं। हमने कहा है कि Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, P बराबर जीरो हो सकता है, अंश है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये इसको हम जीरो करें तो देखो, हम लिखें 1/0, एक बार इसको जीरो करके देखते हैं, तो 1/0 कर दिया तो हम जीरो को एक में जीरो का भाग देंगे तो बराबर इसके आएगा अनंत, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या में हम जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या में हम जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, यानी कि अपरिभाषित मान आएगा, कोई संख्या नहीं आएगी, इसलिए Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। और यदि हम जीरो में जीरो का भाग दें, P बराबर जीरो हो सकता है, मान के चलो हमने P को भी जीरो कर लिया और एक बार Q को भी जीरो कर लिया हमने, तो 0/0, तो इसका मान क्या है? एक मत कर देना, एक नहीं होगा, क्योंकि देखो कि जीरो में जीरो का भाग एक बार जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। 0/0 ये है अनिर्धारित रूप, इसका कोई मान निर्धारित नहीं है। जीरो में जीरो का भाग देंगे तो इसका कभी कोई भी मान निर्धारित नहीं किया गया है, इसको बोलते हैं अनिर्धारित। 0/0 क्या है? अनिर्धारित। और जीरो के अलावा और भी किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो आएगा अपरिभाषित मान, अनंत, ठीक है। तो इसलिए Q है ये जीरो नहीं हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे प्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी कि वे दशमलव संख्याएं इसमें प्रिमेय संख्याओं में आएंगी जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। अब देखो शांत या अशांत आवर्ती कैसे होंगे इनके दशमलव प्रसार? प्रिमेय संख्याओं का
दशमलव प्रसाद। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। नंबर एक, परिमेय जो संख्याएं होती हैं इनका दशमलव प्रसार है वो होता है शांत। पहला है इनका दशमलव जो प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत। अब देखो दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब कैसे है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1.234, 3.12, 437.12, यानी कि पॉइंट के बाद में संख्याएं हैं वो निश्चित होंगी, ठीक है, आगे ये नहीं चलेंगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो शेषफल है लास्ट में क्या बचेगा इनका, इनका जो शेषफल है लास्ट में बचेगा जीरो। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये है शांत। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1/2, अब हम देखेंगे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है, तो एक में हम क्या करेंगे दो का भाग देंगे, तो एक में दो का भाग है ये जा नहीं रहा, तो एक में दो का भाग देंगे तो ये आएगा जीरो पॉइंट, हमने क्या लिखा जीरो, अब दो का भाग देंगे दस में तो आएगा पांच। तो ये जो दशमलव प्रसार, देखो भाग क्या है पूरा पूरा गया है, शेषफल क्या बच रहा है लास्ट में जीरो बच रहा है, तो ये जो दशमलव प्रसार है ये क्या है शांत है। अब हम भाग देंगे, जैसे हमने 8 में 3 का भाग देना है, 8 में 3 का भाग देंगे, तो देखो हम भाग दे रहे हैं 3 × 6 अब हम आगे भाग देंगे तो ये क्या आएगा पॉइंट के बाद में आगे ये संख्या चलती जाएगी 6, 6, 6, 6, अब बार बार में क्या आ रहा है देखो 6, 6, 6 ये आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि लास्ट में जो शेषफल है वो जीरो नहीं आ रहा है, और संख्याएं हैं आगे पॉइंट के बाद में ये 6 बार 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 यही संख्या आ रही है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये है अशांत, इस दशमलव प्रसार को बोलेंगे हम अशांत। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, परिमेय संख्याओं का कैसा होना चाहिए, पहली बात तो शांत होना चाहिए। अब हम बात करें देखो दूसरा दशमलव प्रसार, दूसरा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, परिमेय जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। जो दशमलव प्रसार है वो होता है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत और कैसा होता है आवर्ती। अशांत को अनवसानी भी कहा जा सकता है, अशांत को और क्या कह सकते हैं अनवसानी, अशांत को अनवसानी भी कह सकते हैं अशांत भी कह सकते हैं। तो इनका प्रसार होता है अशांत आवर्ती, तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो अशांत आवर्ती हो वो संख्याएं भी क्या होंगी परिमेय संख्याएं। अब अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, अभी हमने एक संख्या में भाग दिया था, जैसे हमने क्या किया था 8 में 3 का भाग दिया था, तो हमारे पास जो संख्या आई थी वो आई थी 2.666, ये बार बार इस प्रकार से आ रही थी, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट के बाद में 6 है ये बार 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 यही आ रहा है, यानी कि इनका जो शेषफल है वो जीरो नहीं आ रहा था, बार बार ये संख्याएं आ रही है, तो इसलिए देखो ये प्रसार क्या हो गया, इस प्रसार को तो बोलेंगे हम अशांत, क्या बोलेंगे अशांत। और ये 6 है ये क्या आ रहा है बार बार में यही आ रहा है, यानी कि 6 की क्या हो रही है बार बार में आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है 6 इसलिए 6 की क्या हो रही है आवर्ती, तो इस प्रसार को बोलेंगे हम अशांत आवर्ती। तो ये संख्याएं भी क्या होंगी परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो और संख्याएं लिख रहा हूं मैं, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1.1426, 1426, 1426, तो एक संख्या देखो पॉइंट के बाद में 1426, 1426, 1426 यही क्या आ रहा है बार बार में यही आ रहा है, और देखो आगे यही आता जा रहा है, तो इसमें जो आवर्ती हो रही है वो किसकी हो रही है 1426 की, बार बार क्या हो रही है आवर्ती हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.1426 का बार भी लिख सकते हैं,
यानी जिन अंकों की बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है उनके ऊपर ये क्या लगा देंगे, बार, इसको बोलते हैं बार। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 2.6 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर इसको लिखेंगे 6 का बार। तो ये जो संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ति। और हम संख्या लिखेंगे, जैसे देखो हमने कोई संख्या लिखी 5.161616161 .. तो देखो इस प्रसार को हम क्या बोलेंगे, आगे यही 161616 यही आ रहा है बार 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 बार, तो ये प्रसार तो हो गया अशांत। अब देखो आवर्ती किसकी हो रही है, इसमें आवर्ती हो रही है 1 और 6 की, 161616 बार बार आ रहा है, तो ये प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो ये जो संख्याएं जो मैंने लिखी है ये संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, एक तो होता है शांत और दूसरा क्या होता है अशांत आवर्ती, यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो और अशांत आवर्ती हो, वे संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो आगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम क्यू की पावर सी से प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्या को क्यू की पावर सी से। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या को तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे, इनको p बट्टे q रूप में नहीं लिख सकते, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको, ऐसी संख्याएं जिनको p बट्टे q और q क्या नहीं हो, जीरो नहीं होना चाहिए, और p व q क्या होना चाहिए, p व q दोनों क्या हो, पूर्णांक, p व q दोनों पूर्णांक हो, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा नहीं लिखा जा सके। देखो p बटे q, q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, p व q दोनों होने क्या चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, हो के रूप में, के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उनको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऐसे जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होगा ना, वो संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 4 है यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब आगे देखो अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7, और आगे बात करें हम पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.1414 आगे इस प्रकार से होगा, और अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होगी इसमें, तो इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो हम दशमलव प्रसार की बात करें अपरिमेय संख्याओं के, दशमलव प्रसार, तो जो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का भी, अशांत या अनवसानी अनावर्ती। अब ये देखो अशांत अनावर्ती कैसे होगा,
देखो जैसे 3.1287531 डॉट डॉट डॉट, जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्या लिखी, ठीक है। अशांत ये होगा क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या है, संख्या आगे चलती जा रही है, यानी कि शेषफल इसमें भाग देंगे, यानी कि शेषफल है वो आगे जीरो नहीं आएगा, यही संख्या है, इस प्रकार से आगे चलती चलती जाएगी, इसलिए ये जो संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार तो कैसा हो गया, अशांत। अनावर्ती होने का मतलब है इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनकी बार बार क्या आ गई हो, आवर्ती हो रही हो। हमने प्रीवियस संख्याओं में क्या देखा था कि जैसे 2.666 ये बार बार आ रहा था, यानी कि इसमें 6 की बार बार क्या हो रही थी, आवर्ती हो रही थी, और इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनकी क्या हो रही हो, आवर्ती हो रही हो, तो इसलिए इन इस प्रसार को क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। जैसे हमने कोई संख्या लिखी जैसे 5.3187341024102189 डॉट 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 डॉट, तो ये भी दशमलव प्रसार है, ये भी क्या होगा, अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत और अशांत आवर्ती। तो ये है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आज अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, इन्हीं संख्याओं से संबंधित हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या का, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, 7/8, क्या नंबर ऑप्शन है 5/4। आपको इन ऑप्शनों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती। दूसरा क्वेश्चन है, प्रीमे और अप्रीमे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, प्रीमे और अप्रीमे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सम्मिश्र संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या, तीन नंबर ऑप्शन है वास्तविक संख्या, और चार नंबर ऑप्शन है पूर्णांक। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।